नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्री यूट्यूब चैनल प्रोफेसर पर। आर्मी भर्ती दोस्तों यहां पर ओपन रैली होने जा रही है, जिसमें कि आप सभी अगर आप 10वीं पास हैं तो आपके लिए यहां पर बहुत ही बड़ी दोस्तों खुशखबरी निकल के आ चुकी है, जिसमें कि आपको बता दें यहां पर GD ट्रेडमैन और क्लर्क के पदों पर ये दोस्तों ओपन रैली होने जा रही है, जिसमें कि अगर आप 8वीं पास हैं या फिर आप 10वीं पास हैं या फिर आप 12वीं पास हैं तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी है, जिसमें कि आपका यहाँ पर 5 अप्रैल को दौड़ कराई जानी है और आपको बता दें यहाँ पर 24 जिलों की ये सीधी दौड़ यहाँ पर दोस्तों कराई जाने वाली है। कंप्लीट ये जानकारी आप लोगों को मिलने है, ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, इसके माध्यम से सारी जानकारी आप लोगों के वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 162 सेंटीमीटर मात्र हाइट यहां पर रखी गई है, तो आप सभी के लिए यहां पर काफी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। इससे पहले हम वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, दोस्तों को जरूर शेयर कर देना ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन जो है पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इसका इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट का जो यहाँ पर ओपन रैली होने वाली है, उसका यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये रिलीज हो चुका है। यहाँ पर आपको मेन मेन पॉइंट बता देता हूँ, अदरवाइज आपको यहाँ पर सारी जानकारी वन बाय वन माने एक जगह पर यहाँ पर वेबसाइट के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहले देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन जो है ये 5 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, 20 मार्च तक ये चलने वाले हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम आपको एक वेबसाइट के माध्यम से कम्प्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दे देते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी क्लर्क रिक्रूटमेंट, जिसमें कि आप लोग यहाँ पर टोटल पोस्ट कितने रखी गई हैं ये यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से, बट यहाँ पर कौन कौन से पद रहने वाले हैं उनके यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सोल्जर GD के पद रहने वाले हैं, सोल्जर टेक्निकल के पद रहने वाले हैं, सोल्जर क्लर्क के पद रहेंगे, सोल्जर ट्रेडमैन जिसमें कि आप लोगों का 8वीं पास मांगा गया है, सोल्जर ट्रेडमैन जिसमें कि आपका 10वीं पास मांगा गया है, तो ये दो जो है पद रहने वाले हैं। सोल्जर ट्रेडमैन के 8वीं और 10वीं पास क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसके अलावा सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग के पद यहाँ पर रहने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई मोड यहाँ पर रहने वाला है, जिसमें कि आप लोगों का पे स्केल रहेगा 21,000 से लेकर 69,100 के बीच में। एप्लीकेशन फीस दोस्तों यहाँ पर किसी भी प्रकार की नहीं रखी गई है, पूरी तरह से आपका एप्लीकेशन जो है फ्री रहने वाला है। बात करें यहाँ पर आपकी फिजिकल टेस्ट की, तो यहाँ पर हाइट जो रखी गई है 169 सेंटीमीटर सभी पोस्टों के लिए, और यहाँ पर आपका अगर क्लर्क के पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका 162 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। क्लर्क के अलावा सभी में आप लोगों की यहाँ पर 169 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। चेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 77 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए, फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर रनिंग आपकी 1600 मीटर कराई जाएगी, तो यहाँ पर तो रनिंग तो इंडियन आर्मी में 1600 मीटर की ही कराई जाती है। इसके अलावा आपके यहाँ पर ग्रुप 1 का यहाँ पर जो रखा जाएगा 5 मिनट 30 सेकंड में, आप लोग अगर रनिंग कंप्लीट करते हो 1600 मीटर की तो ग्रुप 1 में आओगे, अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 45 सेकंड के बीच में कंप्लीट करते हो तो ग्रुप 2 में आओगे। सिटअप्स की बात करें तो यहाँ पर 10 सिटअप्स लगवाई जाएंगी, 10 पुशअप्स लगवाई जाएंगी। बात कर लेते हैं यहाँ पर एज लिमिट की, तो जितने भी यहाँ पर 17.5 से लेकर 23 वर्ष के बीच के कैंडिडेट हैं वो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और भर्ती में भाग ले पाएंगे। इसके अलावा आपका यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा SC ST और OBC कैंडिडेट को, SC ST के लिए 5 साल का, OBC के यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन देने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बता दें कि 24 जिलों में कुल मिला के जो है भर्ती का यहाँ पर मांगा गया है आवेदन, और यहाँ पर आप देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है फिजिकल टेस्ट होने वाला है, मेडिकल एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन, सबसे पहले आपका फिजिकल करवाया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया आप सभी को यहाँ पर सोल्जर GD और ट्रेडमैन के पद के लिए यहाँ पर दोस्तों 10वीं पास मांगा गया है, जिसमें कि आप लोगों का ओवरऑल परसेंटेज 45 होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होने अनिवार्य है। क्लर्क के पद के लिए यहाँ पर आपका 10+2 होना चाहिए, साथ में आपका यहाँ पर आर्ट्स कॉमर्स या फिर आपका साइंस कोई भी आपकी स्ट्रीम हो चलेगी यहाँ पर आपका, बट 60% मार्क्स होना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए सोल्जर टेक्निकल की, तो यहाँ पर 10+2 मांगा गया है, जिसमें कि आप लोगों का फिजिक्स सब्जेक्ट अनिवार्य है, ठीक है, साइंस यहाँ पर। तो ये हो गया आपका सोल्जर GD। अब यहाँ पर देख लीजिए, अच्छा ये थोड़ा सा छूट गया है, सोल्जर GD में दोस्तों यहाँ पर 10+2 के अलावा आपका यहाँ पर PCM सब्जेक्ट जो है मांगा गया है, तो ये अनिवार्य है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, PCM सब्जेक्ट आपका है तभी आप सोल्जर टेक्निकल के लिए अप्लाई कर पाएंगे मिनिमम 50% के साथ में। बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को यहाँ पर लेकर जाने हैं, तो एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपका यहाँ पर 10th और 12th की यहाँ पर आपकी मार्कशीट लेकर जानी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाना है, कास्ट लेकर जाना है, स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट, एफिडेविट, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, तो ये आपके इतने डॉक्यूमेंट हैं, इनको कहीं पर आप नोट कर लीजिए अगर आप भर्ती में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जरूर लेकर जाइएगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि डेट्स जो है ये आपकी 5 फरवरी से ऑलरेडी इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 20 मार्च तक यहाँ पर चलने वाले हैं, और इसके जो एडमिट कार्ड है आपके 21 मार्च से लेकर 4 अप्रैल के बीच में आप सभी के ईमेल पर जो है सेंड कर दिए जाएंगे। और आपकी जो डेट ऑफ ओपन रैली है ये आपकी 5 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में आपकी रैली करवाई जानी है, किस एड्रेस पर करवाई जानी है, तो दोस्तों देख लीजिए जितने भी झारखंड के कैंडिडेट हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पर मोराहबटी ग्राउंड रांची झारखंड, तो ये आपका एड्रेस रहने वाला है जहाँ पर आपकी रैली करवाई जानी है।
तो गाइज आप सभी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। साथ में दोस्तों आप सभी को यहाँ पर बता दें कि आप सभी के लिए यहाँ पर एक नया चैनल सरकारी नौकरी बना दिया गया है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।